ये बात समझ में आती है कि वो बड़ी हसरत के साथ आगे गई होंगी, लेकिन आपको करना ये चाहिए था कि आप पहले एक तरह से इजाजत ले लेती। वो पब्लिक की मलकियत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर कभी किसी को स्ट्राइक नहीं भेजता, वो उसको वार्न करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद फैसला आपने करना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि उन दोनों पार्टीज को ये पता चल जाए कि किसकी कहां पर कौन सी गलती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की यूट्यूब की अगर किसी को क्वीन समझा जाता है तो वो इकरा कंवल है, जिनका चैनल है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, और एक और यूट्यूबर है जिनका नाम है मिशाल हनीफ। मिशाल हनीफ के बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, अभी उन्होंने स्ट्रगल शुरू ही की थी कि उनकी मुलाकात होगी इकरा कमल के साथ, और इनके दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सिस्ट्रोलॉजी जो चैनल है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद दरियाफ्त हुआ है, जिसमें ये 4-5 महीने ना जाने कितने सालों से मेहनत कर रही है, और इस मेहनत के सिले में इनको ये सिस्ट्रोलॉजी मिला। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इकरा कमल जो कि स्कूल में नाते पढ़ा करती थी, और नाते पढ़ते पढ़ते उनको यूं लगा कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सिंगिंग के ऑडिशन देना शुरू कर दिए। सिंगिंग में ये कामयाब ना हो सकी तो इन्होंने क्या किया कि ये खुद गाया करती थी और उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे लगाया करती थी। बहुत अरसा कोशिश करने के बाद इनको लगा कि शायद वहां भी इनकी दाल नहीं गलने वाली। इन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट मूवीज में काम करना शुरू किया, वहां भी ये कामयाब ना हो सकी। बहुत सारे पुराने ड्रामों में भी आप देखकर हैरान होंगे कि इन्होंने काम किया, वहां भी कोशिश की, लेकिन वहां भी ये कामयाब ना हुई। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के लिए भी काम किया, और हैरान कुन बात यह है कि बहुत सारी जगहों पर इकरा मेजबान हुआ करती थी और इनकी बहनें मेहमान। इन सारी नाकामियों का सामना करने के बाद इकरा को एक दिन पता चलता है कि एटीवी के मॉर्निंग शो में मॉडलिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो वहां पर भी इन्होंने हिस्सा लिया, और इनको ये लगता था कि अब मैं जीत जाऊंगी। वहां पर इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, और वो कॉम्पिटिशन जीत गई। और अब ये मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद उनको ये लगता था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उनको अब धड़ाधड़ ऑफर्स आने लग जाएंगे। लेकिन उस कंपटीशन के जीतने के बाद भी इकरा को और इनकी बहनों को कोई चांस ना मिला। अब कोरोना आ गया, और कोरोना के दिनों में उनको यूं लगता था कि जिंदगी बिल्कुल स्टक हो गई रह गई, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। जरा गौर कीजिएगा, इन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, और यूट्यूब चैनल पर ये कभी फनी क्लिप्स बनाती, कभी मेकअप आर्टिस्ट बनकर एक दूसरे का मेकअप करती, और एक दिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ गया। और देखते ही देखते इनके चैनल पर लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर्स और मिलियंस के हिसाब से व्यूज आने लगे। माना कि जब इंसान स्ट्रगल करता है तो उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है, चाहे वो फनकार हो, गुलकार हो, टिकटॉकर हो, इंस्टाग्रामर हो, कोई भी हो, उसकी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है पैसे कमाने से भी ज्यादा, कि वो बाहर जाए तो लोग उसको पहचाने, लोग उसके साथ सेल्फियां बनाएं, लोग उससे मिले। और जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है और उसके इर्द गिर्द लोग जमा होने लग जाते हैं, लोग उसके साथ सेल्फियां बनाने लग जाते हैं, ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं, और ये जुमले कहने लग जाते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, या आप बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू शुरू में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो तंग होने लग जाती हैं। उनको लगता है कि यार हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रही, हम कहीं भी बाहर जाते हैं लोग तंग करते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जब वो स्टार्ट में आते हैं तो वो कहते हैं कि जब भी आपसे मिलेंगे अच्छा लगेगा, आप लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमसे बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत में इजाफा होता है और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, तो उनको बुरा लगने लग जाता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मुबशर सिद्दीक ने भी कहा था शुरू में कि मैं घर बना रहा हूं, लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दिन आकर ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे घर मत आया करें, हमारे गांव में मत आया करें। उसकी वजह ये है कि देखें ये कैसे मुमकिन है कि अब हर वक्त तो मुबशर सिद्दीक अवेलेबल नहीं होते, और लोग जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो एक हाथ में कैमरा उठाते हैं और दूसरे हाथ से नॉक कर रहे होते हैं। आप दरवाजा उनकी फैमिली का कौन सा बंदा खोल रहा है, उनकी वाइफ खोल रही है, उनकी बहन खोल रही है, उनकी बेटी खोल रही है, या उनका कोई रिश्तेदार खोल रहा है जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। और जब आप कैमरा ऑन करके दूसरे के मुंह के अंदर घुसा देंगे तो कैसा अच्छा लगेगा।
कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से मुबशर सदीक ने एक दिन आकर यह कह दिया कि कोई भी हमारे गांव में मत आए, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माजरत चाहता हूं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात कर चुके हैं, आप लोगों को हमजा भट्टी का भी पता होगा। हमजा भट्टी कहते हैं, मैं किसी फौतगी पर गया हुआ था और वहां पर जनाजे पर लोग मेरे साथ सेल्फियां बना रहे थे, मेरे साथ टिकटॉक बना रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार कम से कम माहौल तो देख लो। रजा समा जो कि पाकिस्तान के एक अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और मैं मना कर रहा था कि यार वीडियो ना बनाओ, लेकिन लोग आकर धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे थे। और उसके बाद उमैसा खान ने भी बताया था कि मेरी वालदा आईसीयू में शिफ्ट थी और मैं बाहर बैठकर रो रही थी, लेकिन वहां की नर्सेज और डॉक्टर्स मेरे साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाने में लगे हुए थे। उनको ये मौका नहीं नजर आ रहा था कि मेरी वालदा आईसीयू में और जिंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन वहां की डॉक्टर्स और नर्सेज को मेरे साथ टिकटॉक बनाने की पड़ी हुई थी। अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि इसी तरह से जब इंसान व्लॉगिंग के अलावा भी अपनी फैमिली के साथ जब बाहर निकलता है तो उनको ये लगता है कि अब वो आराम से कहीं घूम फिर सकेंगे। लेकिन आपके फैंस आपको पहचान लेते हैं। इसी तरह से एक छोटी यूट्यूबर है, उनका नाम है मिशाल हनीफ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और उनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। वो बताती हैं कि हमारे घर जब भी सुबह होती है तो सबसे पहले सारे के सारे से एस्ट्रोलॉजी लगा के बैठ जाते हैं, और मैं इकरा से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। इनकी जितनी बहनें हैं, जितनी इन्होंने स्ट्रगल की, इन सारी चीजों को देखकर मैं इनसे बहुत इंस्पायर थी। इनको देखकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और जब वो मेरे सामने आई तो मैं ये समझ रही थी कि मैं जब इनको आवाज दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इनसे मिलूंगी। लेकिन होता ये है कि जब वो उनके करीब जाने लगी होती हैं तो इकरा उनको दूर से इशारा करती हैं कि कैमरा बंद कर दें। अब उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं जरा आपको मिशाल की बात बता दूं। वो कहती हैं कि ना तो उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, ना हमें वीडियो बनाने दी और ना ही हमसे ठीक से बात की। लेकिन मैं आपको यहां पर असल बात बताना चाहता हूं, जो अरीब है, जो इकरा के हस्बैंड हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो कभी भी सामने नहीं आती। ये असल बात है जिसकी वजह से जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो तंग होती हैं। इकरा अपनी फैमिली के साथ थी, वो नहीं चाहती थी कि अरीब की फैमिली, जो कि यूट्यूब पर या फिर कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, उनको कैप्चर किया जाए, इसलिए उन्होंने दूर से इशारा कर दिया था। अब ये सारा वाकया मैंने आपको बता दिया। मिशाल कहती है मुझे बहुत दुख हुआ और उन्होंने मुझे मना किया। चलें, ये बात समझ में आती है कि वो बड़ी हसरत के साथ आगे गई होंगी, उनके साथ वीडियोस बनाना चाह रही होंगी, लेकिन इकरा ने नहीं बनाने दी। और सबसे दुख की बात ये समझ में आ रही थी जब वो कह रही थी कि मेरे दिल को ऐसे कुछ हुआ है, मान लिया। लेकिन आपको करना ये चाहिए था कि आप पहले इकरा से इजाजत ले लेती, भले ही वो सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, लेकिन आप ये समझें कि वो पब्लिक की मलकियत नहीं है। क्योंकि जब मिशाल की ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इकरा को भी जाहिर है कुछ ना कुछ कहा होगा, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे फैंस, उनको पता है कि मैं किस तरह की हूं, मैं किस तरह से लोगों से मिलती हूं, और जो भी मेरे फैंस जब भी कहीं मिलते हैं तो वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अब ये सारा वाकया मैंने आप सबके सामने रख दिया, और फैसला आपने करना है कौन ठीक है और कौन गलत। लेकिन यहां पर ये खबर मिल रही है कि मिशाल हनीफ का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया गया है, और वो करवाया है इकरा के हस्बैंड ने। मैं ये बात सोच भी नहीं सकता कि इकरा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको अल्लाह ने दिल भी बड़ा दिया होता है, वो बड़ी सेलिब्रिटी होती है, वो कैसे किसी का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा सकते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर कभी किसी को स्ट्राइक नहीं भेजता, वो उसको वार्न करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इंशाल्लाह मिशाल, आपकी जो स्ट्रगल थी, आपने इतने सालों से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स इकट्ठे किए थे, वो आपको वापस मिल जाएंगे और इंशाल्लाह आपको शोहरत मिलेगी, और इकरा को भी अल्लाह ताला और देगा इंशाल्लाह। आप लोगों के सामने सारी बातें मैंने रखी हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चाहे आप इकरा का साथ दें, चाहे आप मिशाल का साथ दें, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।